Next, guys, we have another example, very important. How many 4-digit numbers can be made with the digits? अच्छा, digits आपको कुछ भी दे सकता है, right? How many four digit numbers can be made How many four digit numbers can be made with the digits 0, 1, 2, 3, 4, right? And let us take it 5 also. It's not necessary that all the time we will have all 9 digits. It depends upon the question. How many 4-digit numbers can be made with the digit 0 to 5, which are divisible by 4? Now, divisible by 4, दोनों केसेस मैं लूंगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड, राइट? सिंपल सा लॉजिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस जगह को पहले भरो जिस पे रिस्ट्रिक्शन है. चलो मैं ए वाले केस को ले रहा हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड. हाउ मेनी 4-digit नंबर्स, राइट? 4-digit नंबर है तो 4 प्लेसेस बना दोगे आप. How many 4-digit numbers can be made with the digits 0 to 5 which are divisible by 4? Now, what is the divisibility rule of 4, right? So, divisibility rule of 4 is what? The last two places should be divisible by 4. Unit place should be occupied by even number, obviously. Or tens place mein aisa number hona chahiye jisse last two digit 4 se divisible ho. Right? So, we begin with what? We begin with even number in the unit place. Last unit place में even digit होना चाहिए. तो even digit में सबसे पहले मैं क्या लूँ? कौन कौन से even digit मौजूद है यहाँ पे? 0, 2 और 4. अब देखो ध्यान से, अब मैं last place को fix कर रहा हूँ 0 से, तो fixing हमेशा ऊपर होती है. ways हम लोग लिखते हैं नीचे, क्योंकि इस अगर मैं बोलूँगा कि इस जगह को कितने ways में भर सकते हैं तो वो नीचे लिखते हैं. जब एक ही वे में भर सकते हैं तो वो नंबर मैंने ऊपर डाल दिया, राइट? अब मैंने पहला केस लिया जब यूनिट प्लेस इज ऑक्यूपाइड विथ 0 फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस. अब बताओ टेंस प्लेस में मैं क्या लूँ, इनमें से कौन सा डिजिट लूँ जिससे लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4? तो चेक करो, 1 ले सकते हैं, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 2 ले सकते हैं, यस. 2 अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो देखो 20 इज डिविजिबल बाय 4. 3 ले सकते हैं, 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. क्या 4 ले सकते हैं? यस. 5 नहीं ले सकते. तो टेंस प्लेस में इनमें से कौन कौन कितने डिजिट्स जा सकते हैं जिससे कि लास्ट टू प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 4? तो गाइज, द लास्ट टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ईदर बाय 2 और बाय 4. ठीक है? तो अगर मैं यूनिट प्लेस में मैंने 0 को फिक्स कर दिया तो टेंस प्लेस का टेंस प्लेस को हम भर सकते हैं 2 वेज में, दैट इज ईदर बाय 2 और बाय 4. अब दोनों जगह को मैंने सेट कर दिया क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको फिक्स किया. इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, राइट? अब बताओ मुझे, अब ये दोनों भरने के बाद रिस्ट्रिक्टेड जगह कौन सा है? फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं? तो 0 तो चला ही गया और इन दोनों में से कोई एक चला गया, ये चला गया और इन दोनों में से कोई एक चला गया, लेट मी अज्यूम 2 चला गया. अब बताओ फर्स्ट प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बचे हुए हैं? 1, 2, 3, 4. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस जगह पे. एक कम कर देना, कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज. तो 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर इज 24.
यानी कि ये 24 क्या डिनोट कर रहा है, फोर डिजिट नंबर्स कंटेनिंग जीरो इन यूनिट्स प्लेस एंड डिविजिबल बाई फोर, राइट, और फोर से भी डिविजिबल हो, तो ये 24 बता रहा है हमें एक केस। और भी तो केसेस हैं, जरूरी है कि लास्ट में जीरो हो, तो सेकेंड केस को डील करेंगे अब हम। अब जीरो के बाद कौन सा इवन जा सकता है यहाँ पे, टू, इसको हम हटा दो, टू को फिक्स कर दिया मैंने यूनिट प्लेस में। अब बताओ मुझे, टू को अगर मैंने यूनिट प्लेस में फिक्स कर दिया तो यहाँ पे इनमें से कौन कौन सा डिजिट जा सकता है, तो इनमें से जीरो जाएगा, नो, जीरो टू इज नॉट डिविजिबल बाई फोर, वन जाएगा, यस, 12 इज डिविजिबल बाई फोर, थ्री, टू जाएगा, टू तो चला ही गया, थ्री जाएगा, यस, फोर जाएगा, नो, फाइव जाएगा, यस। तो यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इट कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज, किससे किससे, वन, थ्री एंड फाइव, राइट। चलो इनमें से कोई भी एक चला गया, तो सपोज कर लेता हूँ, टू तो मैंने हटा ही दिया था, लास्ट प्लेस में डाल दिया, इनमें से कोई एक डाल दिया इस प्लेस में, मान लो मैंने वन को डाल दिया। अब आ जाओ, इस जगह को पहले भरते हैं क्योंकि इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, वी आर लेफ्ट विथ वन टू थ्री फोर, जिसमें जीरो भी है, और फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आएगा, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज, थ्री वेज कौन कौन सा, थ्री फोर फाइव, वो याद रखना, ठीक है। अब इनमें से भी कोई एक चला गया, काट दो। अब बताओ सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, तो अगेन थ्री वेज, देखो फोर फाइव और जीरो, ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि फर्स्ट में जीरो नहीं डालना था और इसमें जीरो आ रहा है, तो दोनों सेम हो जाएगा थ्री वेज। तो आंसर आया 27, राइट। तो ये क्या बता रहा है, नंबर्स कंटेनिंग टू इन यूनिट प्लेस एंड डिविजिबल बाई फोर, ठीक है। और नेक्स्ट केस लो, टू के बाद क्या जा सकता है, सिर्फ एक ही केस बचा है फोर का, फोर फिक्स कर दो, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, तो जीरो डाल सकता हूँ, यस, और याद रखना ऑलवेज कीप द केस ऑफ जीरो सेपरेटली, जीरो वाले केस को अलग से डील किया करो, जीरो को फिक्स कर दिया मैंने क्योंकि जीरो फोर फोर से डिविजिबल है, जीरो को फिक्स कर दिया। अब गाइज मैंने जीरो डाल दिया और फोर डाल दिया, अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं, दो जगहों को भरने के लिए, वी हैव वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो सीधा फोर इंटू थ्री लिख सकते हो, दैट इज 12, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब आओ फोर को फिर रख रहा हूँ मैं यूनिट प्लेस में, अभी तक मैंने जीरो फोर वाला केस लिया, फोर के साथ और क्या क्या आ सकता है, वन आ सकता है, नो, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, टू आ सकता है, यस, और फोर तो यूज हो ही चुका है, सिर्फ एक ही आ सकता है टू, टू को भी फिक्स कर दिया मैंने। फिर दो डिजिट चले गए, कौन कौन से, टू एंड फोर। अब हमारे पास बचे वन टू थ्री फोर, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज एक्सक्लूडिंग जीरो, याद रखना, और इनमें से कोई एक डाल दिया, मान लो मैंने इसको डाल दिया, तो सेकंड प्लेस के लिए कितने बचे, वन टू थ्री, अगेन थ्री, आंसर इज 9, राइट। अब जोड़ दो, यही आपका आंसर है, 20, दिस इज 21, 21, 48, 48, 72, यानी कि 72 नंबर्स होंगे जो फोर डिजिट के बनेंगे इन डिजिट से, विच आर डिविजिबल बाय फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। तो ये दोनों कौन सा केस है, नंबर्स कंटेनिंग फोर इन यूनिट प्लेस एंड डिविजिबल बाय फोर, ठीक है। तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार समझना होगा। शॉर्टकट्स कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ, जब भी
फर्स्ट प्लेस को भरते हो, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले केस में फर्स्ट प्लेस को भरते हो और उसमें ज़ीरो होता है, लेफ्ट आउट डिजिट में ज़ीरो भी है, तो पहला प्लेस को जितने वेज में भरोगे सेकंड वाला सेम वेज में ही आने वाला है, क्यों? इसमें ज़ीरो हटाया था, इसमें ज़ीरो ऐड हो जा रहा है, तो सेम होता है। अगर फर्स्ट प्लेस को भर रहे हो और डिजिट में ज़ीरो नहीं है तो एक कम हो जाएगा। देखो यहाँ भी सेम आया था, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो था, राइट? और यहाँ फिर ज़ीरो ले सकते हैं तो सेम हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिशन नॉट अलाउड था गाइस। अब हम लोग आते हैं रिपीटिशन अलाउड, इसको बहुत आराम से समझना है तभी ग्रिप आएगा गाइस। रिपीटिशन अलाउड, फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय फोर, लास्ट प्लेस को हम शुरू करते हैं ज़ीरो से, लास्ट प्लेस में अगर ज़ीरो फिक्स्ड है तो सेकंड लास्ट प्लेस में क्या जाएगा जिससे फोर से डिविजिबल हो, राइट? तो देखो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, माइंड इट। तो पहला केस मैं यहाँ ज़ीरो भी ले सकता हूँ, तो अगर दोनों डिजिट ज़ीरो है तो फोर से तो डिविजिबल होगा ही। अब दोनों में ज़ीरो डाला, अब कितने बच गए? अब इसमें देखो कुछ माइनस नहीं हटेगा, नहीं कुछ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। दो ज़ीरो डाल दिया, अभी भी इन दोनों प्लेस को भरने के लिए हमारे पास छः डिजिट बचे हुए हैं, राइट? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, फाइव वेज, और इस पे जितने डिजिट्स हैं उतना वेज, सिक्स वेज, यानी कि 30। फिर आओ, ज़ीरो को फिक्स किया हुआ है मैंने, अब सेकंड लास्ट प्लेस में ज़ीरो के अलावा और क्या आ सकता है? तो वन नहीं आ सकता, टू आ सकता है, थ्री नहीं आ सकता, फोर आ सकता है, टू और फोर आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज, इधर बाई टू और बाई फोर। अब भूल जाओ इसको लिखने के बाद, भूल जाओ फर्स्ट प्लेस को भरना है, डिजिट उतना ही है क्योंकि रिपीट तो हो ही रहा है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, अगेन फाइव वेज एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, और फिर इसमें टोटल जितने हैं सिक्स वेज, आंसर 30 × 2 = 60। समझना इसको अच्छी तरह से, रिवाइंड करके बार बार। फिर आ जाओ लास्ट प्लेस को हम लोग टू से फिक्स करते हैं। अब लास्ट प्लेस में जब टू है तो इस प्लेस में क्या क्या हो सकता है? ज़ीरो हो नहीं सकता, वन हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, थ्री वेज, दैट इज़ वन, थ्री या फाइव से हम इसको भर सकते हैं। भूल जाओ अब इसको, अब हमारे पास छः डिजिट है, फर्स्ट प्लेस में ज़ीरो नहीं आएगा, फाइव वेज, फिर सिक्स वेज, ये ज़्यादा आसान है गाइस, 90। फिर फोर को फिक्स करोगे, फोर के साथ कौन सा केस ले सकते हो? ज़ीरो ले सकते हो, यस, ज़ीरो ले लिया आपने। अब भूल जाओ इसको, अब टोटल सिक्स डिजिट हैं, फिर 5 × 6 वेज, आंसर 30। और लास्ट केस फोर यहाँ है और यहाँ पे ज़ीरो के अलावा मैं क्या ले सकता हूँ? टू भी ले सकता हूँ, फोर भी ले सकता हूँ, टू वेज, दैट इज इधर बाई टू और बाई फोर, फोर रिपीट हो सकता है, राइट? तो गाइज टू वेज, अब भूल जाओ इनको, 5 × 6 30 × 2 = 60, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर इज हाउ मच? ऐड करो, दिस इज 60 + 60 + 60 = 120, 120 + 90 = 180 + 90 = 270, राइट? तो 270 नंबर्स बनेंगे विथ रिपीटिशन अलाउड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर? नाउ नंबर फॉर्मेशन, एक और क्वेश्चन करता हूँ, जितना करेंगे उतना ग्रिप आएगा, तो ये बनेगा नहीं आपसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी द वीडियोज अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। देखो सब क्वेश्चन में लगेगा एक ही बात हो रही है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many four digit numbers can be made with digits 0 to 5, 0 to 5, 6, 0 to 6,
ग्रेटर देन 2300, ग्रेटर देन 2300 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट? नाउ हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी मेड with 0 to from with these digits greater than 2300 repetition not allowed, right? तो फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो आप चार जगह बनाओगे, ठीक है? देखो अटैक करने का जगह, फोर डिजिट नंबर बनाना है, रिस्ट्रिक्शन दिया है, यस 23,000 से बड़ा, 2300 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो इस केस में फर्स्ट प्लेस भी रिस्ट्रिक्टेड है और सेकंड प्लेस में भी रिस्ट्रिक्शन आएगा कुछ केस में। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट प्लेस में है। अब आओ कंटेम्पलेट करो, सोचो दिमाग से कि कोई भी नंबर 2300 से बड़ा है, 2300 से बड़ा नंबर अगर कोई है तो फर्स्ट प्लेस में क्या जा सकता है, ये आपको सोचना है अच्छी तरह से। क्या फर्स्ट प्लेस में 2 जा सकता है? तो आपको लगेगा नहीं, हाँ तो बिल्कुल यस, लेकिन अगर तुम यहाँ 2 डालते हो तो सेकंड प्लेस पे भी रिस्ट्रिक्शन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ जब 2 डालोगे तो उसके बाद वाले में तुम 0 या 1 नहीं डाल सकते, या 0, 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि वो 2300 से छोटा हो जाएगा, राइट? और लेकिन अगर तुम यहाँ पे 3 डालते हो या 4 या 5 या 6 में से कोई एक डालते हो तो इस जगह पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला फोर डिजिट नंबर जो होगा वो 3000 समथिंग या 4000 समथिंग सो ऑन होगा, जो ऑब्वियसली 2300 से तो बड़ा होगा ही। तो चलो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, तो हम लोग पहला केस लेते हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस में 2 है, तो नंबर्स बिगनिंग विथ 2, बिगनिंग विथ 2 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो चलो मैंने फर्स्ट प्लेस में 2 को क्या किया, फिक्स कर दिया। अब बताओ सेकंड प्लेस को भरना है आपको क्या, 2 तो हटा ही दो, 2 हट गया, फर्स्ट सेकंड प्लेस को भरना है, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो यस, क्यों? क्योंकि यहाँ बचे हुए डिजिट में से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि 2300 से बड़ा बोला, तो यहाँ पे 0 नहीं जा सकता है, यहाँ पे 1 नहीं जा सकता है, 2 तो यहाँ चला ही गया है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए 2 को तो भूल ही जाओ, तो 0 और 1 नहीं जा सकता। क्या 3 जा सकता है? यस, क्योंकि 3 जाने के बाद बचे हुए में से कोई भी जाएगा तो वो इससे बड़ा तो उसको बना ही देगा, राइट? सो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इन 4 वेज, क्यों? 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, ठीक है? तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब इन पे कोई अब इनमें से कोई एक चला गया, मान लो यही चला गया, अब बचे हुए 2 जगह हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने बचे हुए डिजिट्स हैं ऐसे सोचो, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक इनमें से जाएगा वो एज्यूम कर लेना, कोई भी एक चला गया काट देना, समझ में आ जाएगा कितने बचे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, देयर 5 डिजिट्स लेफ्ट। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 and 4, एक कम हो जाएगा, 4 वेज। तो आंसर क्या आया, 20 into 4, दैट इज 80। तो 80 नंबर्स आर देयर विच बिगेन विथ 2 एंड विच आर ग्रेटर देन 2300, नंबर बिगनिंग विथ 2 एंड ग्रेटर देन 2300 आ गया, ठीक है? नाउ नंबर्स बिगनिंग विथ 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी से भी स्टार्ट करोगे वो उससे बड़ा तो होना ही है, तो सीधा हम लोग प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 4 वेज किससे, 3, 4, 5 और 6 में से किसी से भी भर सकते हो, ठीक है? इनमें से कोई भी एक डाल दिया, मान लो मैंने 4 डाल दिया, अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीधा 6 into 5 into 4, एक एक कम क्यों हो रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब रिस्ट्रिक्शन बाकी जगह पे नहीं होती है तो एक प्लेस रिस्ट्रिक्टेड, एक प्लेस को जब आपने फिल कर दिया तो उसके सब्सिक्वेंट प्लेसेस को एक एक कम करके फिल कर सकते हैं। तो ये आ गया, दिस इज हाउ मच, 20 into 24, दैट इज
480. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स ऑफ फोर डिजिट ग्रेटर देन 2300 इज, ऐड कर दोगे, 560 आंसर. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है, फिर जब आप क्वेश्चंस बनाओगे राइट, तो चूंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, इसमें सेम टाइप आना मुश्किल है. एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट सम हाउ राइट. तो कुछ टर्म्स, कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनका कुछ मीनिंग बता दूं. मिंट एक शब्द होता है, वी ऑल नो मिंट इज़ यूज इन यू नो इन इन मेकिंग फूड. मिंट इन इंग्लिश, इन हिंदी इट मीन्स पुदीना राइट. इन इंग्लिश वी कॉल इट मिंट. होमोफोन्स, फोनोनिम्स, ये सब तुम लोग पढ़े होगे. मिंट का एक और मतलब होता है, जो मेटल्स का काम करते हैं उनको मिंट बोलते हैं. जो मेटल से कुछ बनाते हैं राइट, मेटल से कैलेंडर बना रहे हैं या कोई भी आपका फ्रेम बना रहे हैं, दोज पर्सन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिंट राइट. तो याद रखना, अगर मिंट बोला है तो वो मेटल का काम करने वाला के बारे में बोला जा रहा है राइट. अब देखो, इस पे क्वेश्चन है कि एक मिंट है जो कैलेंडर बनाएगा स्पेसिफाइंग मंथ, डेट्स एंड डेज. ठीक है, और हर मंथ का वो एक कैलेंडर बनाएगा राइट. हर मंथ का वो एक कैलेंडर बनाएगा. क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर्स कैन फेब्रुअरी कैलेंडर ही कैन ही मेक सो एज टू सर्व फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन द कमिंग ईयर्स राइट. समझ में आना चाहिए. एक बंदा फेब्रुअरी महीने का कैलेंडर बनाएगा, फेब्रुअरी का राइट. फेब्रुअरी में यू ऑल नो 1, 2, 3 डेट्स होंगे, 1st February, 2nd, 3rd, 4th सो ऑन, डॉट डॉट. और अब इसमें आपने सोचना है आपको कि फेब्रुअरी का कैलेंडर बना रहा है और वो चाहता है कि मैं फेब्रुअरी के कितने कैलेंडर उसको बनाने चाहिए जिससे आने वाले फ्यूचर में जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं फेब्रुअरी के वो सब उसमें आ जाएँ राइट. तो कितने कैलेंडर वो फेब्रुअरी मंथ का बनाएगा जिससे आने वाले फ्यूचर में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब सर्व कर सके वो. तो गाइज, यू माइट कंटेम्पलेट कि फेब्रुअरी मंथ का अगर उसको कैलेंडर बनाना है तो वो कैलेंडर दो तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी ऑफ लीप ईयर, इट कैन बी ऑफ नॉन लीप ईयर. उसको दो टाइप के कैलेंडर बनाने पड़ेंगे, लीप ईयर वाले और नॉन लीप ईयर वाले, क्योंकि लीप ईयर भी हो सकता है फेब्रुअरी में, नहीं भी हो सकता है. अगर वो लीप ईयर वाले कैलेंडर बनाता है तो लीप ईयर में कितने डेज होंगे, कितने डेज होते हैं, 29 डेज राइट. तो 1, 2, 3, 4 से लेके 29 डेज होंगे राइट. नाउ गाइस, अब लीप ईयर में उसको कितने कैलेंडर बनाने पड़ेंगे? तो कैलेंडर बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. यू माइट बी वॉन्डरिंग डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल नहीं. कैलेंडर जब भी बनाते हैं तो बस एक ही क्राइटेरिया होता है कि पहली तारीख को वो किस दिन से शुरू करेगा राइट. अगर वो 1st February को मंडे से स्टार्ट कर रहा है तो एक कैलेंडर तो सीधा बन गया, क्योंकि उसके बाद तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑर्डर में आ जाएगा. 1st February अगर वो ट्यूसडे से स्टार्ट करता है तो वो सेकेंड टाइप का कैलेंडर हो जाएगा. तो फॉर लीप ईयर ही कैन मेक 7 कैलेंडर्स फॉर फेब्रुअरी मंथ. क्यों 7 कैलेंडर? क्योंकि 1st February वो स्टार्ट कर सकता है मंडे से या ट्यूसडे से या थर्सडे से. तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज. तो 7 कैलेंडर वो बना सकता है ऑफ फेब्रुअरी मंथ फॉर लीप ईयर राइट. एंड सिमिलरली फॉर नॉन लीप ईयर वो कितने कैलेंडर बना सकता है? ही कैन मेक अगेन 7 कैलेंडर्स. तो टोटल नंबर ऑफ कैलेंडर्स कितने हो गए? सेवन प्लस सेवन दैट इज
14, यानी कि फरवरी महीने का अगर 14 कैलेंडर तुम या मैं या वो मिंट बना दे, तो आने वाले भविष्य में जितने भी फरवरी मंथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कैलेंडर की, वो सब मेरे पास मौजूद होंगी, राइट? तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, ठीक है? नेक्स्ट. अब देखो, ये ऐसा टॉपिक है, परम्यूटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल. इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस हम लोग इससे डील कर सकते हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं कि 983, तुम लोग सब जानते हो मोबाइल यूज़ करते हो, हर मोबाइल कंपनी का अपना अपना 5 डिजिट का कोड होता है, राइट? ठीक है, जैसे पहले रिलायंस आया था तो उसके जो भी नंबर्स दिए जा रहे थे वो 98351 से पहले शुरू होने वाले थे, जैसे मेरा भी है, और लास्ट में 5 डिजिट का आपका नंबर दिया जाता है, राइट? स्टार्टिंग फिक्स्ड होता है 98351, उसके बाद 5 डिजिट के नंबर्स दिए जाते हैं जो आपका मोबाइल नंबर बन जाता है, राइट? जब इस 98351 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर कोड चेंज किया जाता है, फिर 98352 आ जाता है, फिर 98353 आ जाता है. दिस इज़ द टेक्निक ऑफ गिविंग अलॉटिंग द मोबाइल नंबर्स, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोबाइल नंबर्स इज पॉसिबल स्टार्टिंग विथ 98351. तो आप क्या करोगे? आप 98351 तो कोड है ही, फिक्स्ड है ये. इसके बाद 5 डिजिट आपको डालने हैं, राइट? तो जितने तरह से ये 5 डिजिट नंबर्स तुम बना सकते हो, उतने ही मोबाइल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे स्टार्टिंग विथ 98351. अब हमें इन 5 जगहों को भरना है, और तुम लोग को पता है मोबाइल नंबर में डिजिट रिपीट होता ही है, राइट? रिपीटिशन अलाउड होता है ऑलवेज. तो चलो, कितने नंबर्स, कितने वेज में हम इन 5 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं? तो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं आप सब जानते हो, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स हैं. फर्स्ट, इसमें रिपीटिशन अलाउड है, कुछ सोचना ही नहीं है, 0 भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग तो है नहीं नंबर. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है. ऑल द प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज गाइज. सो नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने, टोटल मोबाइल नंबर्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, टोटल मोबाइल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 98351 विल बी हाउ मच इट विल बी 1 लाख. तो आप सोच लो कि अगर 9835 के 1 के बाद 98352 से नंबर्स बना, किसी को मिला है, फिर 98353 से स्टार्ट हो रहा है, तो सोचो कितने सब्सक्राइबर होंगे उस मोबाइल कंपनी के स्टार्टिंग विथ 98351 एंड सो ऑन, राइट? तो अगर मैं बोलूँगा कि 98351 से स्टार्ट हुआ और 98357 तक गया अभी तक, तो कितने मोबाइल्स नंबर अलॉट हुए हैं, तो 1 लाख × 7 कर दोगे, तो 7 लाख पीपल हैव देयर मोबाइल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 98351 से लेके 98357 तक, है ना? तो बैठे बैठे तुम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कितने मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, राइट? सो ऑन. तो दिस इज अ वेरी वाइटल टॉपिक, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. अब जैसे सपोज करते हैं कि एक 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, 9 फ्लोर बिल्डिंग, इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर को लेके बोला जा रहा है, राइट? क्योंकि फ्लोर में ग्राउंड भी आ जाता है, तो 9 फ्लोर बिल्डिंग है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड है. नाउ
9 फ्लोर का बिल्डिंग है, आप देख सकते हो ये दिस इज ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, सो ऑन। नाइन फ्लोर बिल्डिंग राइट, सॉरी इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर था ना, 8। नाउ यहां पे लिफ्ट है, दिस इज अ लिफ्ट, लिफ्ट है ये। अब गाइस इस लिफ्ट में लेट्स से 4 पर्सन एंटर्स द लिफ्ट, enters the lift in ground floor, in ground floor, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज फोर पीपल लीव द लिफ्ट, लीव द लिफ्ट। अगर खाली इतना क्वेश्चन बोलो, कितने तरह से वो लिफ्ट से उतर सकते हैं अलग अलग वेज, तो वहाँ बहुत सिंपल सी बात, आदमियों को निकलना है, आदमियों को छोड़ना है लिफ्ट, तो फर्स्ट पर्सन कैन लीव द लिफ्ट इन हाउ मेनी वेज। वो यहाँ चढ़ा, अब 8 में से किसी भी एक फ्लोर में वो उतर सकता है, तो फर्स्ट पर्सन कैन लीव लिफ्ट इन हाउ मेनी वेज, 8 वेज। सेकेंड पर्सन कैन लीव इन हाउ मेनी वेज, अगेन 8 वेज। कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं सेकेंड फ्लोर में उतर रहा हूँ, हो सकता है तुमको भी सेकेंड में उतरना हो। थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो लीव द लिफ्ट इन 8 वेज, फोर्थ पर्सन कैन ऑल्सो लीव लिफ्ट इन 8 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, 8 to the power 4, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ऑल द 4 पर्सन कैन लीव द लिफ्ट इन हाउ मेनी वेज, दे कैन लीव द लिफ्ट इन 8 to the power 4 वेज, फर्स्ट पार्ट। अगर मैं क्वेश्चन में यहां चेंज कर दूं, इन हाउ मेनी वेज कैन द 4 पीपल लीव, कैन लीव द लिफ्ट, सॉरी ये लिफ्ट होना चाहिए था, कैन लीव द लिफ्ट एट डिफरेंट फ्लोर्स, एट डिफरेंट फ्लोर्स। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, समझना है इसमें। अब गाइज फर्स्ट पर्सन कैन लीव लिफ्ट इन हाउ मेनी वेज, 8 वेज, क्योंकि 8 फ्लोर में से किसी भी एक फ्लोर में वो उतर सकता है। सेकेंड पर्सन को डिफरेंट फ्लोर में उतरना है, जहां पे फर्स्ट पर्सन उतरा वहां पे सेकेंड वाला नहीं उतर सकता, तो सेकेंड वाले को लिफ्ट से उतरना पड़ेगा, कितने वेज में, 7 वेज में। थर्ड पर्सन को 6 वेज में, फोर्थ पर्सन को 5 वेज में। तो यहाँ पे आंसर अब क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 राइट। तो एक से एक गाइस क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे राइट। कि सब क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, इसमें नहीं बने तो डिसहार्टन नहीं होना है, ये बहुत वाइटल टॉपिक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस, इन 5 लेटर बॉक्सेस, सो दैट नंबर 1 पोस्टेड, फर्स्ट पार्ट है पोस्टेड, पहला पार्ट खत्म हो गया। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स, एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को यहां से शुरू करता हूं, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ वेज
ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच फोर लेटर्स बी पोस्टेड इन फाइव लेटर बॉक्सेस सो दैट ऑल लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम बॉक्स इन सेम लेटर बॉक्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम लोग. ये सेकेंड पार्ट है. चार लेटर बॉक्स, चार लेटर्स हैं और पांच लेटर बॉक्सेस है गाइज. ठीक है, मान लो नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी. हमें लेटर्स को पोस्ट करना है, राइट. क्वेश्चन क्या है, लेटर को पोस्ट करो. तो लेटर को लेके मैं लेटर को मैं पोस्ट करूंगा वन बाय वन. तो फर्स्ट लेटर, ये अगर नहीं समझ में आएगा कि किसको लेके चलना है तो यू माइट कमिट अ मिस्टेक. लेटर को पोस्ट करना है तो लेटर को लेके जाना पड़ेगा लेटर बॉक्स के पास, राइट. फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज. आप सोचो, आप लेटर लेके गए पहला वाला, आपके पास पांच बॉक्स है, आप किस में डाल सकते हो, कितने तरह से वो एक लेटर को आप डाल सकते हो लेटर बॉक्स में. तो आंसर इज फोर वेज, क्योंकि आप उसको ए में डाल सकते हो या बी या सी या डी में, फोर वेज. सेकेंड लेटर को भी आपको डालना है, कितने तरह से डाल सकते हो. तो मान लो फर्स्ट लेटर इसमें चला गया, अब सेकेंड लेटर को पोस्ट करना है. तो ये थोड़े कोई रूल है कि एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर जाएगा, सब लेटर भी तो एक ही लेटर बॉक्स में जा ही सकता है, राइट. तो सेकेंड लेटर कैन ऑल्सो बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज, फोर वेज. अच्छा, फाइव बॉक्स था. या एक काम करते हैं, इसको थ्री कर देते हैं, इसको फोर कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं. ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग. तो फोर लेटर बॉक्स था, फोर लेटर बॉक्स बनाया था मैंने, तीन लेटर हैं, राइट, तीन लेटर हैं. तो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन फोर वेज, इसमें चारों में से किसी में भी डाल सकता हूँ. सेकेंड लेटर को भी चारों में से किसी में भी डाल सकता हूँ फोर वेज, और थर्ड लेटर को भी मैं चारों में से किसी में डाल सकता हूँ. तो टोटल वेज मेरा पहला केस का क्या आ गया, 4 × 4 × 4, दैट इज 4³, दैट इज 64 वेज. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आओ सेकेंड पार्ट की तरफ. इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स, तो सबसे पहले आप मुझे सोच के बताएं कि इफ ऑल थ्री लेटर्स आर पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, इन सेम लेटर बॉक्स, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो. कॉमन लॉजिक से आप आंसर दे सकते हो. तीनों लेटर हैं तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सामने चार बॉक्स हैं, तुम चाहते हो सब लेटर को एक ही बॉक्स में डालो. तो तीनों लेटर को या तो हम इसमें डालें या इसमें डालें या इसमें इसमें. तो कितने वेज हैं, फोर वेज. सब लेटर को अगर एक ही बॉक्स में डालना है तो कितने वेज हो गए, ओनली फोर वेज. इफ ऑल थ्री लेटर्स आर पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स देन टोटल नंबर ऑफ वेज इज फोर वेज. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, दे शुड नॉट बी पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स. ठीक है, ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग सो दैट ऑल लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, इन सेम लेटर बॉक्स इज टोटल वेज जो था पोस्ट करने का, उसमें से वो केस माइनस कर दो जिसमें सब लेटर को एक ही बॉक्स में डाला जा रहा है. तो आपका आंसर आ गया 64
माइनस फोर दैट इज हाउ मेनी वेज 60 वेज आंसर आ गया। तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं गाइस इस चैप्टर में, इसलिए इसमें प्रैक्टिस से ही कमांड आएगा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस मच यू वोंट बी एबल टू हैव दैट कमांड ऑफ सॉल्विंग, राइट।